दोस्तों कंटेंट अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें इसके लिए बेल आइकन दबाने के बाद ऑल पे जरूर क्लिक कर देना। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं एक सिंह और दोस्तों टेक्निकल सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। अगस्त का महीना खत्म होने वाला है, सितंबर आने वाला है। सितंबर का महीना स्मार्टफोन लॉन्चेस के हिसाब से दो चीजें हो सकती हैं, ठीक है? लॉन्चेस तो बहुत कम होंगे लेकिन जो होंगे वो काफी इंटरेस्टिंग होंगे। अब हुआ है कि ऑलरेडी अगस्त में बहुत सारे स्मार्टफोन ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, उसके पहले जुलाई में भी लॉन्च हुए थे अच्छे खासे, एंड सितंबर के बाद जो अक्टूबर आएगा उस टाइम पे बीबीडी सेल और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल होगा, तो उसके पहले तीन चार दिन पहले बहुत सारे आपको लॉन्चेस होते देखेंगे अक्टूबर में। इसीलिए इस टाइम में जो सितंबर का टाइम है ना, बहुत ज्यादा स्मार्टफोन लॉन्च नहीं होंगे लेकिन जो होंगे वो काफी इंटरेस्टिंग वाले होंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। कुछ सात के आसपास स्मार्टफोन है जो इंडिया स्पेसिफिक है, बाहर वाले नहीं, जो इंडिया स्पेसिफिक है, जिनके चांसेस है इंडिया में लॉन्च होने के और जो कंफर्म लॉन्च होने वाले, उनके बारे में बात करेंगे। पसंद आया मुझे शेयर कर देना, नहीं पसंद डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों पसंद है। ज्यादा नहीं है, सात स्मार्टफोन्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। इवन सैमसंग, रेडमी, पोको, रियलमी, ओप्पो, इनकी तरफ से कुछ खास लॉन्चेस नहीं है, ठीक है? शुरू करेंगे सबसे पहले भाई वीवो से और आईकू से। आईकू की बात करें तो आईकू Z7 Pro आपको मालूम है डायमेंसिटी 9200 के ऊपर आने वाला है, 120 हर्ट्ज का कर्व्ड एमोलेड है, 64 मेगापिक्सल का OIS का कैमरा है, एंड बहुत सारी चीजें। प्राइसिंग कहा जा रहा है जो बेस वेरिएंट होगा 8GB 128GB का, ये आपको 20,000 से 25,000 के बीच में, पॉसिबली 25,000 ऑफर लगा के आपको 23,000-24,000 तक आएगा, मिलने वाला है। लॉन्च तो ये 31 अगस्त को ही होगा लेकिन इसका पहला सेल जो होगा ना ये सितंबर में आएगा, तो मिलने वाला है आपको सितंबर में, अमेजोन एक्सक्लूसिव होगा, वेट करना। काफी इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है, बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं और अपनी प्राइस पे काफी तगड़ा होने वाला है। चलिए ये तो क्या आईकू की तरफ से बात करेंगे, दूसरे स्मार्टफोन की वीवो। वीवो की तरफ से भी एक स्मार्टफोन आने वाला है भाई, वीवो V29e जो है वो तो लॉन्च हो चुका है अब इसका बड़ा भाई, वीवो V29 कहा जा रहा है, ये भी सितंबर के मंथ में आपको देखने को मिलेगा, बहुत जल्दी लॉन्च कर रहे हैं। वीवो V27 ज्यादा टाइम नहीं हुआ लॉन्च होके, 4 महीने हुए 5 महीने मेरे ख्याल से। चलिए ये वाला स्मार्टफोन यूरोप में लॉन्च हो चुका है, स्नैपड्रैगन 778G के ऊपर आता है, 120 हर्ट्ज का कर्व्ड एमोलेड का पैनल है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती है जैसे 50 मेगापिक्सल का OIS वाला कैमरा, 80 वाट का चार्जर है, डिसेंट बैटरी है 4600 mAh की। स्मार्टफोन देखने में इंटरेस्टिंग है एंड पसंद आएगा आपको। कहा जा रहा है प्राइस इसकी 30,000 से 35,000 के बीच में होगी, जो बेस वेरिएंट होगा 8GB 256GB वाला, ये भी आपको एंड ऑफ सितंबर तक देखने में इंडिया में मिल जाएगा। तो आईकू और वीवो की तरफ से ये दोनों स्मार्टफोन आपको देखने को इस महीने यानी सितंबर में मिलने वाली है। इसके बाद चलते हैं अगले स्मार्टफोन की तरफ। अगला स्मार्टफोन इन्फिनिक्स की तरफ से, अभी कुछ ही दिन पहले 20,000 की प्राइस में उन लोगों ने लॉन्च किया था GT10 Pro, अब जीरो सीरीज इन्फिनिक्स 035G ये स्मार्टफोन कहा जा रहा है 2 तारीख को 2 सितंबर को सेल पे आ जाएगा, मतलब उसके बाद उसका जो प्री बुकिंग है स्टार्ट हो जाएगा, तो कहा जा रहा है उसी दिन लॉन्च भी होने वाला है। अब स्पेसिफिकेशन की बात करोगे तो ये भी काफी तगड़े वाले स्पेसिफिकेशन के साथ आ रहे हैं, डायमेंसिटी 8020, इसके साथ साथ 120 हर्ट्ज का कर्व्ड एमोलेड, देन बहुत सारी चीजें, 50 मेगापिक्सल का OIS वाला कैमरा, देन 45 वाट का चार्जर और बहुत सारी चीजें। कहा जा रहा है इसकी प्राइस भी 20,000 से 25,000 के बीच में होगी, जो 8GB 256GB वाला वेरिएंट होगा वो अच्छा है, मतलब सही स्मार्टफोन है अपनी प्राइस पे। ये भी अर्ली सितंबर 2 तारीख को लॉन्च होने वाला है, जैसे आएगा इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा आपको, इसका वेट करोगे जरूर बताना। काफी इंटरेस्टिंग इन्फिनिक्स स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है अभी के टाइम पे, ये भी आने वाला है September 2 को। यार सभी बात कर ली, एक नया स्मार्टफोन फिर से रिटर्न कर रहा है, मतलब ऑनर की बात कर रहा हूं मैं, माधव सेठ रियलमी छोड़ के ऑनर में गए हैं। ऑनर 90 ये भी सितंबर में आने वाला है, ऑनर के 2 स्मार्टफोन लॉन्च होंगे इस साल जिसमें से एक आएगा सितंबर में, जो कि मोस्ट प्रोबेबली होने वाला है ऑनर 90। माधव सेठ ने कहा कि जल्दी एक स्मार्टफोन लॉन्च करने वाले सितंबर में ही, तो यही स्मार्टफोन होने वाला है। इसमें भी आपको 120 हर्ट्ज का कर्व्ड एमोलेड मिलने वाला है, पंचोल के साथ 200 मेगापिक्सल का कैमरा है, OIS नहीं रहेगा, ट्रिपल कैमरा रहेगा बट OIS नहीं रहेगा, स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 का चिपसेट रहेगा, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ साथ 66 वाट का फास्ट चार्जर रहेगा, हाँ 50 मेगापिक्सल का जो फ्रंट कैमरा वो भी एक बात होगी, 8GB 256GB का जा रहा है बेस वेरिएंट होगा, प्राइसिंग इसकी 35,000 आएगी, जो लीक हुई थी ना उस हिसाब से इसकी प्राइसिंग बताई जा रही थी 35,000 के आसपास होगी। UI में कोई ब्लोटवेयर नहीं रहेगा, ऐड नहीं रहेगा, सारी चीजें क्लीन मिलेंगी। ऑनर लेके आ रहा है ऑनर 90, पहला स्मार्टफोन बहुत टाइम बाद अपना सितंबर के महीने में, मिड सितंबर में पॉसिबली लॉन्च होते हुए दिखेगा आपको। इसके बाद मोटो बहुत सारे बौछार करने वाले भाई, 1 सितंबर को ही वो लोग लॉन्च करने वाले हैं मोटो G84 इंडिया में, स्नैपड्रैगन 695 के ऊपर है तो कुछ लोगों को बुरा लग सकता है लेकिन 120 हर्ट्ज का इसमें एमोलेड का पैनल आने वाला है, 50 मेगापिक्सल का OIS वाला कैमरा होगा, अच्छी चीज है, 30 वाट का फास्ट चार्जर होगा, टाइप सी का पोर्ट होगा, बैटरी डिसेंट सी होगी, 20,000 से 22,000 के बीच में कहा जा रहा है आएगा। ये स्मार्टफोन फिक्स है 1 सितंबर को ऑफिशियल हो गया है एंड 3-4 दिन सेल पे आ जाएगा।
इसका छोटा भाई मोटो G54 चाइना में लॉन्च होगा 5 तारीख को, और कहा जा रहा है कि सितंबर एंड होने से पहले पॉसिबली ये भी इंडिया आएगा। इसमें आपको डिमेंसिटी 7020 देखने को मिलेगा, लेकिन आईपीएस एलसीडी का पैनल होगा 120Hz वाला। इसमें भी आपको 50MP का ओआईएस वाला कैमरा होगा, 30W का फास्ट चार्जर होगा, लेकिन 6000mAh की बैटरी होगी कही जा रही है। इसका प्राइस कहा जा रहा है 17,000 से 18,000 के आसपास होगा। ये ऑफिशियल हो गया है कि G84 तो लॉन्च होने वाला है, लेकिन G54 कहा जा रहा है कि सितंबर एंड होने से पहले पॉसिबली इंडिया में देखने को मिल सकता है। एक और स्मार्टफोन मोटो की तरफ से, लेकिन ये जी सीरीज का नहीं होगा, ये एज सीरीज का होगा, मोटो एज 40 नियो। ये यूरोप में लीक हुआ था लॉन्च होने के लिए, कहा जा रहा है यूरोप में भी लॉन्च होगा एंड पॉसिबली सितंबर एंड या फिर अर्ली अक्टूबर में आपको ये देखने को इंडिया में मिलेगा। इसमें क्या मिलने वाला है आपको, 144Hz का कर्व्ड एमोलेड का डिस्प्ले होगा। इसके साथ डिमेंसिटी 1050 मिलने वाला है देखने के लिए आपको। इसके अलावा बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, मतलब प्राइसिंग इसकी 25,000 के आसपास होगी, 28,000 से 30,000 पे। आपको पता है कि एज 40 आता है, तो एज 40 नियो ये रहेगा ना, तो ये आपको करीब करीब मिलेगा समझ लिया 25,000 के आसपास। वेट कर लेते हैं, देखते हैं क्या लेकर आते हैं, जैसे और भी इन्फॉर्मेशन पता चलेगा आपको बता दूंगा। इसका वेट करोगे जरूर बताना। प्राइसिंग जैसे मैंने कहा 25,000 के आसपास आपको मिलेगी एंड वेट रहेगा, देखते हैं किस प्राइस पे लेके आते हैं। सेप्टेम्बर के मंथ में जैसे मैंने कहा बहुत सारे लॉन्चेस नहीं है, ये 7 स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेंगे। कुछ कन्फर्म है, कुछ के बारे में लीक्स है। आप कौन सा वेट करोगे जरूर बताना। कैसा लगा वीडियो नहीं बता देना, पसंद आया लाइक मैंने शेयर कर देना, नहीं पसंद डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों पसंद है। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, भी चेक कर सकते हो, मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो, सपोर्ट कुछ खास नहीं करना, साइड में देखो प्रैक्टिस में उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और सपोर्ट कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया करने साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।